मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापू दादा बोले मीठे बच्चे। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? तो उत्तर में बाबा समझाते कि आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सत्य में तो है ही सबकी आंखें सिविल, वहां यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? तो बाबा उत्तर में कहते हैं कि हे बाबा, जब बच्चे बोलते हैं कि हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है कि वे यहाँ नहीं है। ओ शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परमपिता है ना, तो परमपिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान के अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता, दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी, बैकुंठ तो उस समय नहीं था, है ना। तो मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा जो पास्ट हो गया, वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। भल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बनाते तो कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है। कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं, बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं, पाठ बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं, यह है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिनों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। तो पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते कि सर्वव्यापी है, ठिकर भीतर में है, ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते कि बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ नहीं है ना। तो मेरे तो आप दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो,
और अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है, बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है, कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, ये समझने की बातें हैं। बाकी तो सब है कनरस, यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं आएगा, है ना? तो बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हैं कि हम पापी, नीच, विकारी हैं। तो देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कलयुग में थे। तो आजकल मनुष्य की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। तो वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुगी सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं कि हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना, और तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। और वो लोग तो घर बार छोड़ आदि फिर अंदर घुस आए हैं और अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते हैं। तो भी कितना खर्च करते हैं? तो वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, तो बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है, और अभी है ही कलयुग, और सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है कि अब मनुष्य से देवता बनना है। आदाकल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, और फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसी को ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं कि हम आत्मा है, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय तो हो गया, फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद ना रहे। वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है, भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है, और यहाँ धक्के की बात ही नहीं। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भक्त चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। तो एक बार जो चीज देखी जाती है तो वही याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, ये नई बात है ना। तो कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। तो शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा का बाप, परपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते, तो अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है।
एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। तो बाप कहते हैं कि रोज रोज गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ, मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। तो बाबा रोज कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप याद करो। तो मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी हैं कि चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता है कि आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो कि हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते, अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उनकी पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वह दोनों पवित्र और यहाँ दोनों अपवित्र, तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? पाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी हो, 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। और अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आई ही हो ये देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा ना सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है, आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं और आधा कल्प सिविल रहती हैं। सत्य में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं और यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। पाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है, पतित दुनिया पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उनकी डिनाइस्टी गाई जाती है, संबंध भी उनसे कहा जाएगा। सत्युग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाब कहते हैं 1250 वर्ष रात दिन का फर्क हो गया, रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं कि मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, अंत मति सो गति। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो इसलिए वहां जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्य की तो अनेक मतें अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। तो झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं, झाड़ कितना बड़ा हो गया है। और वहां एक मत एक राज्य था, तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, और यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया। चारों तरफ से मौत है, वहां तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, और फिर बनेंगे राजराजेश्वरी, और अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर राजराजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इनों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहां उनों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है, वहां तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। मर गया तो खलास, अकाल मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सत्युग में ये लॉ नहीं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया।
एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जैसे सर्प खाल बदलते हैं, वहां सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। और तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। सेकंड पॉइंट है, पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने वरदान दिया कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। और जहां समर्थ है वहां कमाई है, तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।